हेलो फ्रेंड्स, तो सितंबर टू दिसंबर 2022 के नए टॉपिक्स रिलीज हो चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं क्यू कार्ड, जिसका नाम है डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट यू पर्टिकुलरली फाइंड ब्यूटीफुल। यानी ऐसे कोई ऑब्जेक्ट के बारे में बात कीजिए जो आपके मुताबिक बहुत ही सुंदर है। अंदर के क्यूज हैं वेयर इज द आर्ट वर्क और द ऑब्जेक्ट, यानी आर्ट वर्क या फिर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है। How was it made? इसे कैसे बनाया गया है। What it looks like? यानी आपको यहाँ पे थोड़ा सा उसका वर्णन करना है, डिस्क्रिप्शन देना है कि ये कैसा दिखता है। And explain why you find it particularly beautiful? ये समझाइए कि आपको ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सुंदर क्यों लगता है। तो आज ये टॉपिक पे हम जो आइडिया डिस्कस करने वाले हैं वो है एक कार्ड एंटिक मिरर के ऊपर, यानी आईना। सो हम बोलने वाले हैं कि हमारे घर के बाहर एक आईना है जो बहुत ही एंटीक है, बहुत ही पुराना है, लेकिन बेहद सुंदर है, और फिर हम उसकी कुछ क्वालिटीज डिस्क्राइब करेंगे। अगर आप मेरे क्यू कार्ड्स के आइडियाज की पीडीएफ बुक खरीदना चाहते हैं, जिस बुक का नाम है माई बुक ऑफ आइडियाज, तो आप मुझे डायरेक्टली संपर्क करके ये फोन नंबर पे मुझसे ये बुक खरीद सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 7433016809। जो क्यू कार्ड के आइडियाज की बुक है उसमें सारे पार्ट वन के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस और आंसर्स हैं, क्यू कार्ड्स के टॉपिक्स हैं, और जो नए टॉपिक्स हैं उसके एक नहीं बल्कि इस बार दो आइडियाज हैं, एंड उसके फॉलोअप क्वेश्चंस भी है। तो अगर आप चाहते हो कि ये बुक आपके पास आ जाए तो जल्दी से मुझे संपर्क करके आप ये बुक खरीद लीजिए। इफ़ यू विश टू परचेज माई बुक ऑफ आइडियाज, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ऑन दिस नंबर। यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप मी एंड परचेज दिस बुक फ्रॉम मी। This book includes introductory questions, cue cards with two ideas for new topics and follow-up questions and answers. Thank you. तो चलिए अब cue card को समझ लेते हैं। This object that I particularly find beautiful is an antique card mirror. So हम यहाँ पे बता रहे हैं, भले ही हमको पूछा नहीं है कौन सा object है, but it will be a good idea to explain which particular object it is. So वो object, वो चीज़ जो मुझे बहुत ही सुंदर लगती है, वो एक antique और carved mirror है। It is mounted outside the main door of my home since many years. As far as I know, this mirror is handmade. So आपको पूछा गया है कि इसे कहाँ रखा है, तो आप बता रहे हो कि ये mirror को लगाया गया है मेरे घर के main door के बाहर बहुत सारे सालों से, और जहाँ तक मुझे मालूम है ये handmade mirror है। That is what my grandfather told me when I was a child. He told me that the wood carving was done by a special wood knife by a very popular craftsman. It was hand painted and designed by an expert before 5 to 6 decades. So आपको ये भी पूछा है कि इसे कैसे बनाया गया है। So हम बता रहे हैं इसको हाथ से बनाया है, ये हमें हमारे grandfather ने बताया था जब हम बच्चे थे, और उन्होंने हमें बताया कि जो वुड का कार्विंग है वो एक स्पेशल चाकू से किया गया है। जो वुड को कार्विंग करने का चाकू आता है एक बहुत ही लोकप्रिय क्राफ्ट्समैन के द्वारा, और इसे पेंटिंग और डिजाइनिंग भी एक एक्सपर्ट ने किया है अपने हाथों से, और ये जो मिरर है वो अराउंड 50 to 60 साल पुराना है। टू मी द मिरर लुक्स क्लासिक एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब हम मिरर को डिस्क्राइब कर रहे हैं क्योंकि हमें पूछा है वॉट इट इज लाइक, सो हमें इसका डिस्क्रिप्शन जरूर से देना है। बहुत सारे एडजेक्टिव्स का भी उपयोग अगर हम करेंगे इट विल बी रियली बेनिफिशियल टू अस। सो मेरे हिसाब से ये बहुत ही क्लासिक और असाधारण लगता है। इट इज रॉयल एंड समथिंग दैट एनी वन वुड लव टू हैव इन देयर होम। ये बहुत ही शाही है और एक ऐसी चीज है जो हर किसी को अपने घर में रखने के लिए अच्छा लगेगा। The shape of the mirror is oval and its glass is very expensive. इसका जो आकार है वो oval है और उसका जो कांच है वो बहुत ही महंगा है। Even after so many years, it shines as if new and it is stain-proof. इतने सारे सालों के बाद ये जैसे नया है वैसा ही चमकता है और उस पर एक भी दाग नहीं लगा है क्योंकि ये stain-proof है। It is very attractive and a treasure of our family. ये बहुत ही आकर्षक मिरर है और हमारे फैमिली के लिए जैसे एक खजाना है। सो यहाँ पे हमने बहुत सारे adjectives, बहुत सारी qualities describe की है मिरर के बारे में। There are many reasons why I find the mirror beautiful. आपको ये भी पूछा है फोर्थ क्यू में कि आपको स्पेशली ये चीज़ ब्यूटीफुल क्यों लगती है। सो हम अब कारण देने वाले हैं कि बहुत सारे कारणों से मुझे ये मिरर ब्यूटीफुल लगता है। The very first reason is simple. सबसे पहला कारण बहुत ही सरल है। The mirror is indeed very lovely. ये जो मिरर है वो सच में बहुत ही खूबसूरत है। It catches everyone's eye. सबका ध्यान खींचता है। Another interesting reason is that when I come home, I see myself first in this mirror.
If I am smiling, I get a warm welcome. And if I am sulking, then I get a frowning welcome. एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प कारण यह है कि मुझे क्यों ये मिरर सुंदर लगता है कि जब मैं घर आता हूँ या फिर जब मैं घर आती हूँ तो सबसे पहले अपने आप को मैं ये मिरर में देखता हूँ। अगर मैं हंसते हंसते मिरर में देखूंगा तो मुझे बहुत ही अच्छा स्वागत मिलेगा, यानी मैं ही अपना स्वागत करूंगा एक स्माइलिंग फेस से। और अगर मैं मुंह चढ़ा के ये मिरर में देखूंगा तो मुझे मुंह चढ़ा हुआ स्वागत मिलेगा। इट रिमाइंड्स मी टू स्माइल एंड टू लव माई सेल्फ मोर देन एनी वन एल्स। ये मिरर जो है मुझे याद दिलाता है कि मुझे स्माइल करना है, मुझे खुश रहना है और मुझे सबसे ज़्यादा अपने आप को प्यार करना है। एंड ये थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा बोलने वाले हैं, अगर हमें एग्जामिनर चुप रहने को ना कहे और फिर भी हमारे पास समय बच जाता है तो ये चीज़ों को आप एक्स्ट्रा टाइम में बोल सकते हो। मोस्ट पीपल हु विजिट अस लव दिस मिरर एंड द प्लेस वेयर इट इज असेंबल्ड। जो लोग भी हमारे घर पर आते हैं उन्हें ये मिरर बहुत पसंद आता है, खास करके वो जगह जहाँ पर इसे रखा गया है। I have seen myself in this mirror since childhood and it has seen me grow from childhood. मैंने ये मिरर में अपने आप को बचपन से देखा है और जैसे कि ये मिरर ने मुझे भी बड़ा होते हुए देखा है बचपन से। It is like a friend to me. ये मेरे मित्र जैसा है। Sometimes I feel scared that what if someone steals it? कभी-कभी मुझे डर लगता है कि क्या अगर ये मिरर चोरी हो गया? However, it is so heavy that I guess it is impossible to steal it. This gorgeous mirror is like a cherry on the cake in our होम। लेकिन ये मिरर इतना भारी है कि मुझे लगता है कि शायद ही इसे कोई चुरा पाएगा। ये जो बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत मिरर है वो हमारे घर में एज इफ लाइक चेरी ऑन द केक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बहुत ही यूनिक आइडिया पसंद आया है। ट्राई टू टॉक अबाउट दिस आइडिया एंड डू नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग विच इज़ वेरी कॉमन सो दैट यू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे ऑनलाइन IELTS क्लासेस का डेमो लेना चाहते हो तो मुझे 7433016809 पे आप संपर्क कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं एंड यू कैन हैव अ फील ऑफ द क्लास ऑनलाइन। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जामिनेशन।